हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज केमिकल काइनेटिक्स को और आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले कुछ कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का मेरे पास डाउट्स आ रही थी एक टॉपिक को लेकर के। टॉपिक था आपका रेट लॉ से, तो हल्का सा डाउट आ रहा था बच्चों को। जो रेट लॉ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उससे कुछ डाउट आ रही थी। मार्कर कहाँ गया? तो डाउट मैं आज आप लोगों को बताता हूँ डाउट क्या आ रही थी आप लोग को। तो डाउट ये था कि उसमें ना बहुत सारे बच्चे जो रेट लॉ में जब ऑर्डर बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हल्का सा आइडिया दिया था उस टाइम पे। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, लेक्चर नंबर 5 देखा होगा आप लोग को, तब डाउट आ रही हो थोड़ा सा। अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए वो डाउट नहीं रहेगा, लेकिन जो पुराने बच्चे जो इस वीडियो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले अगर लेक्चर नंबर 5 देखे होंगे तो उनको थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा था। तो मैं सोचा कि इस वीडियो के थ्रू उस डाउट को पहले क्लियर कर दूँ। डाउट क्लियर ही नहीं कर दूँ बेशक एक बार अच्छे से इस टॉपिक को फिर से ब्रीफ दे दूँ, इसलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था रेट लॉ। रेट लॉ से काफ़ी मतलब पूरा आपका केमिकल काइनेटिक्स डिपेंडेंट था। तो मैं अभी बताऊंगा, जो बच्चे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे लेक्चर नंबर 5 देखे हैं वो इसको प्रीफर करिएगा जो अभी मैं बता रहा हूँ उसको। उसको भी प्रीफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्का सा आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। मैं समझा कहाँ पे कन्फ्यूजन आया। एक्चुअली मैं जब लेक्चर नंबर 5 बना रहा था ना, तो मैं जो रेट लॉ वहाँ पे आप लोग को बताया वो सब कुछ सही था, लेकिन एक्चुअली मैं रिलेट कर रहा था रेट लॉ को केमिकल इक्विलिब्रियम से। एक टॉपिक होगा 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उससे मैं रिलेट कर रहा था। लेकिन होता क्या है ना कि आप लोग का नेचर है कि पीछे का भूलते जाते हो और आगे का पढ़ते जाते हो, तो इसलिए मैं सोचा कि हटाओ, केमिकल इक्विलिब्रियम को हटाओ, एक नया कॉन्सेप्ट जो कि आपका इसी चैप्टर से बेस्ड होगा, केमिकल काइनेटिक्स से ही बेस्ड होगा। तो जो जो बच्चे अगर पढ़े होंगे लेक्चर नंबर 5, उनसे मैं बोलूँगा कि इसको प्रीफर करिएगा। मैं ऐसे डिफरेंस बता दूंगा कि जो मैं लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों को बताया था और यहां अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है उसके बारे में पहले बता दूंगा, तो आपको डाउट नहीं रहेगा, आपको बेशक कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन प्रिफर इसको कीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को लेकर के ही बनाए, ना कि कोई और दूसरे चैप्टर को। क्योंकि मे भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पिछले वाला टॉपिक भूलते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो शुरू करते हैं, मैं थोड़ा सा रेट लॉ से स्टार्ट करता हूँ। ये एक तरह से लेक्चर नंबर 5 ही आप बोल सकते हो, लेक्चर नंबर 5 को ही और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, अभी इस लेक्चर के बाद हल्का सा लेक्चर नंबर 5, हल्का क्या, अच्छा सा। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में देना चाहूँगा, क्योंकि ब्रेक कर करके वीडियो बनाना फिर कॉन्सेप्ट दो पार्ट में बढ़ जाते हैं तो मज़ा नहीं आता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर एक बार में वीडियो नहीं देख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में आधा घंटा देख लो, फिर आ करके फिर से आधा घंटा देख लो, ऐसा कोई इशू नहीं है, वीडियो भागा थोड़ी जा रहा है। तो लेक्चर नंबर 5 को ही मैं अभी फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, केमिकल काइनेटिक्स को लेकर के। अब अच्छे से आपको इसलिए समझ में आएगा ना क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए अब ये जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा रेट लॉ को लेकर के वो अब आपको क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर उसके बाद हम लोग जो अभी तक जो पढ़े थे, क्या पढ़ाया था मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, क्या बताया था, जब ए प्लस बी प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैं एक केस आपको करा चुका हूं जिसमें दोनों के कंसंट्रेशन बराबर होते हैं, वो वाला केस। तो इसके बाद जब इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर से, लेकिन अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 5 को और अच्छे से, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग ना रहे या फिर कोई मिस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बन जाए। क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में होता क्या है ना, एक बार अगर गलत कॉन्सेप्ट या मिस कॉन्सेप्ट अगर आप खुद से बना लोगे ना तो फिर चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो मैं फिर से लिखवा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा, हल्का समझा रहा हूँ, ठीक है। रेट लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो रेट लॉ में जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बताया था, जो कि पहला लेक्चर था, उसमें मैंने लिखवाया था फर्स्ट पॉइंट में कि ये जो रेट लॉ होता है वो होता है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन, ये मैं लिखवाया था वहां पे।
अब उसके बाद मैंने क्या किया था, आपको बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली होता क्या है, लेकिन एक्चुअली एक पॉइंट वहां पे मिसिंग था, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस वीडियो के तहत आपको कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग कराऊं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्या करना है इसमें। एक्चुअली जो रेट लॉ होता है ना, रेट लॉ, सब कुछ सही था, मैं बताऊंगा कहां पे डिफरेंस था। तो रेट लॉ एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटली लॉ होता है, एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है। ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा, डेफिनेशन कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछता, समझ में आपको आना चाहिए, क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा। तो रेट लॉ क्या होता है आपका, होता है एक्सपेरिमेंटल लॉ। अब एक्सपेरिमेंटल लॉ कैसा है, तो एक एग्जाम्पल से पहले आपको समझाता हूं। जैसे कि हम मान लीजिए, हम ले लेते हैं ट्वाइस ए प्लस बी से मैं बना दे रहा हूं आपका प्रोडक्ट, ट्वाइस ए और बी से लेकर के प्रोडक्ट बना देता हूं। तो रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ। अब एक्सपेरिमेंटल लॉ कैसे है, रेट लॉ आपका बेसिकली किसके बारे में बताता है, रिएक्शन के रेट के बारे में जानकारी देता है। तो अब क्या कहेगा कोई इंसान या फिर कोई साइंटिस्ट, इस रिएक्शन के पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके क्या बोला, कि बोला कि रेट जो है वो, रेट जो है वो हो जा रहा है आपका टू टाइम्स, रेट जो है टू टाइम नहीं फोर टाइम्स मान लो, बोल लो रेट जो है हो जा रहा आपका फोर टाइम्स इफ इफ ए का कंसंट्रेशन आप दो गुना कर दो, तो दो गुना कर दो तो ठीक है। मतलब अगर बोल क्या रहा है, कोई किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके मुझे क्या दिया कि रेट जो है, एक्सपेरिमेंट करके वो ऑब्जर्व किया कि इस रिएक्शन का रेट चार टाइम्स हो जा रहा है जब ए का कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, दो गुना कर रहे हैं। तो इसके बाद आपके खोपड़ी में ये चीज जाना चाहिए कि अगर हम ए का कंसंट्रेशन दो गुना कर रहे हैं तो रेट मेरा क्या हो रहा है, चार टाइम। इसका मतलब क्या है कि रेट हम बोल सकते हैं, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं क्या इसके पावर टू के। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं, ये दो और ये दो सेम नहीं है, अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए पहले। रेट जो है, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर से बोल रहा हूं, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि इस रिएक्शन का रेट चार टाइम्स हो जा रहा है, कब, जब ए का कंसंट्रेशन हम दो गुना कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट बोला, ये पॉइंट आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप ए को क्या करोगे, ए को दो गुना करोगे, मतलब ए को क्या करोगे, टू ए करोगे, टू ए का क्या होगा स्क्वायर मैंने लिखा, तो क्या हो जाएगा, फोर ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रेट कितना हो गया, चार गुना हो गया। यहां तक क्लियर होगा तो इजी वे में आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या किया कि अगर किसी ने जानकारी दिया कि रेट चार टाइम्स है, कब रेट चार टाइम हो रहा है, जब ए का कंसंट्रेशन दो गुना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जैसे ही आप ए को क्या करोगे, 2a से रिप्लेस करोगे, 2a से क्यों, क्योंकि रेट में बोला है चार टाइम हो रहा है, कब, जब कंसंट्रेशन टू टाइम हो रहा है। तो जैसे इसको आप 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट क्लियर है, मतलब हम इसको इतना पढ़ा तो ये आपके खोपड़ी में जाना चाहिए कि ये ऐसा होगा, मैं समझा रहा हूं अभी, ठीक है। और क्या कहेगा आपसे, और कह सकता है, इधर आपको हां दिख रहा है, और क्या कहेगा कि रेट जो है, रेट जो है वो क्या है, वो आपका हो जा रहा है रेट जो है। तो अब एक और पार्ट क्या कह रहा है, ये तो आपका जानकारी दिया था यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए के बारे में, अब एक और स्टेटमेंट दे रहा है, और ये भी स्टेटमेंट कहां से आया, एक्सपेरिमेंट करके आया, जब इस रिएक्शन का हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, तो इस रिएक्शन का फिर से एक्सपेरिमेंट किए, और मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट करके किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि रिएक्शन का रेट टू टाइम्स हो जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, रिएक्शन का रेट कितना हो रहा है, दो टाइम्स हो जा रहा है, कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को आप क्या करोगे, टू टाइम्स करोगे। तो समझ आ रही बात, एक और एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके अब क्या बोला कि रेट जो है रिएक्शन का टू टाइम्स हो रहा है, कब, जब बी का कंसंट्रेशन टू टाइम्स करोगे। तो इससे क्या निकलता है, तो इतना चीज पढ़ने के बाद आपके खोपड़ी में क्या जाएगा कि ये हो क्या रहा है,
कि रेट जो है यहां पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी के। नहीं हो रहा है क्या? आप इसे समझो, इस वाले पॉइंट से आप समझ सकते हो कि अगर मैं रेट को क्या करूं, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, दो गुना करोगे, मतलब टू बी करोगे, तो टू को बाहर निकाल लो तो आपका क्या आ जाएगा, रेट कितना हो जाएगा। पहले ये अगर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी, मतलब ये क्या बताता है कि जितना गुना आपका रेट बढ़ेगा या फिर जितना गुना आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी बढ़ेगा उतना ही गुना आपका रेट बढ़ेगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जानकारी क्या दिया, रेट दो गुना हो रहा है, कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ बी आपका दो गुना हो रहा है, मतलब कि रेट और बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी आपके आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर यहां से ये दोनों पॉइंट क्लियर है, तो अब जब ये दोनों पॉइंट आ गया, एक मेरा इक्वेशन बन गया ये वाला और एक मेरा इक्वेशन बन गया ये वाला, अब दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करके क्या कह सकता हूं कि रेट जो है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा तो मैं बोल सकता हूं प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिए आप। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं प्रोपोर्शनल के साथ, तो क्या आ रहा है, रेट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर टू और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर वन। ठीक है, अब यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा तो क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट आता है और ए का स्क्वायर, जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट साइन आता है, तो ये जो कांस्टेंट आया इसी को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो जो रेट आया इस इक्वेशन का वो कुछ ऐसा आया। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि जो रेट लॉ होता है उस, ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंटल लॉ में क्या होता है, उस रिएक्शन का आप फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, जैसे यहां पे किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, बोला कि रेट चार टाइम हो रहा है, कब हो रहा है, जब ए का कंसंट्रेशन दो गुना हो रहा है। तो इस क्या, ये एक्सपेरिमेंट को देख करके हमें समझ में आ गया कि बेसिकली रेट क्या है आपका, इसके कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर एक बार अब एक्सपेरिमेंट किया बी को लेकर के, तो अब बोला, अब हमें समझ में आया कि ये इसके बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके मेरा फिर से ये आ गया। तो अब ध्यान दीजिए, जो मैं आपको, जो बच्चे फिफ्थ वाले लेक्चर देखे थे उनको, मैं उनको जब मैं समझा रहा था तो पिछले वाले लेक्चर में मैं हल्का सा केमिकल इक्विलिब्रियम का हेल्प लिया था और क्या बोला था कि बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, गुलबर्ग एंड वोगे ने दिया था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा। तो उसने क्या बोला था, जो मैं आपको वीडियो में लिखवाया भी था, वो जब फिफ्थ वीडियो देखे होंगे तब, तो उसने क्या बोला था कि कोई भी रिएक्शन का जो रेट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बताया था कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसको लिख लेना और उसका जो कोफिशियंट है उसका पावर और बी है, और उसका जो कोफिशियंट है यहां पे वन, उसका पावर, और फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा था तो यहां पे आया था रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और ए का पावर टू और बी का पावर वन। ठीक है, ये आया था मेरा रेट। जब हम क्या, जब क्या करेंगे, जब लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करेंगे तब। लेकिन ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया था वो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन पूरे तरीके से वैलिड नहीं था, पूरे तरीके से वैलिड नहीं था, मतलब ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ आपका एलिमेंट्री रिएक्शन पे। लॉ ऑफ मास एक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ वैलिड है एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो जो बच्चे फिफ्थ लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं। अब जो बच्चे इसको शुरू से देख रहे हैं, मतलब ये लेक्चर देख रहे हैं सिर्फ, फिफ्थ वाला लेक्चर एक्चुअली मैं उसको वहां से हटा दिया हूं, इसलिए क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो जो बच्चे ऑलरेडी देख चुके थे उनको मैं ये वीडियो के जरिए फिर से समझा रहा हूं, और जो नए बच्चे हैं उनको तो कंफ्यूजन आएगा ही नहीं क्योंकि वीडियो वो खत्म, जस्ट क्योंकि आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या था, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन जो कि आपका सिंगल स्टेप में
पूरा हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो जो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये आपका हर जगह वैलिड नहीं था। वैलिड तो है, जो मैं फिफ्थ लेक्चर में लिखवाया था वो चीज सब वैलिड था, ये चीजें मैं वहां पे लिखवाई थी, लेकिन ये चीजें वैलिड तभी है जब मैं आपको जस्ट उसके बाद लिखवाया था एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन कभी भी अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बोलेगा इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तभी आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आप एज नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल लॉ के थ्रू फॉलो करेंगे। अब ये कैसे मैं समझाता हूं, बस डाउट क्रिएट मत करिएगा, बस ये ध्यान दीजिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको पढ़ाया था फिफ्थ लेक्चर में, वो क्या होता है, जो समझाया कि इसका कोफिशियंट और इसका पावर ये होता है, लेकिन ये आपका हर जगह वैलिड नहीं है, ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में है। तो बच्चों को डाउट क्या आ रहा था ना, कि कहीं भी रिएक्शन देख रहे थे कुछ भी लिखा हुआ ए प्लस थ्री बी और कुछ प्रोडक्ट, तो सीधा क्या कर रहे हैं ना, रेट को ऐसे करके और वन और थ्री लिख दे रहे थे और उससे ऑर्डर निकाल ले रहे थे, तो वो एक्चुअली में गलत है। आप ये कॉन्सेप्ट तभी लगाना, ये वाला ये तो आपका वैलिड है, ये वैलिड है और इससे मैंने ये निकाला ये वैलिड है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट तभी लगाइएगा जब आपका क्वेश्चन में गिवेन हो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा, यहां इसको लिख करके खुद से काट लीजिएगा और काट करके लिख लीजिएगा वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं डिस्कस करना चाहूंगा चीजों को। तो पहला पॉइंट क्या आया, पहला पॉइंट ये कि एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है कौन सा, रेट लॉ, और फर्दर एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने यहां से ये निकाला। अब इससे क्या करेंगे, इससे अब ये जो दोनों का सम होगा ना, जैसे 2 प्लस 1 ये आ गया आपका 3, तो ये 3 बताएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट आपका हर जगह वैलिड है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन जो मैं आपको पढ़ाया था वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो बच्चे ऑलरेडी, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, जो बच्चे ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 देख लिए हैं तो आप उसके नीचे राइट डाउन कर लीजिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन इज ओनली वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, वहां तक लिख लीजिएगा। और फिर से एक पॉइंट वहां फिर या फिर नए पेज पे फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा कि रेट लॉ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है, और इस एक्सपेरिमेंटल लॉ को समझने के लिए ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और ये राइट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा और वीडियो को मतलब और अपन आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। तो अगर पीछे वाला जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझाया वो क्लियर है तो थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड करता हूं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। तो ध्यान से समझिएगा क्या समझा रहा हूं फिर से। अब मैं क्या करता हूं, अब एक जनरल, अभी हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिखा, अब हम एक जनरल इक्वेशन तैयार करेंगे। जनरल मतलब क्या, फिर से अगर सपोज करिए, लेट कर लीजिए, अगर एक रिएक्शन है 5A प्लस 6B से आप प्रोडक्ट बना लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग रेट लॉ लिखना शुरू करेंगे। तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया रेट जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के, ये तो पता है, क्योंकि जो रेट होता है वो आपको सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन के, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी तक पढ़ते आए हैं। लेकिन ये हमें अगर मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कहीं नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में अगर सपोज कीजिए कि आपका एक्सपेरिमेंट कहीं नहीं गिवन है इस रिएक्शन के बारे में, तो हम मान लेते हैं कि रेट जो है वो ए के पावर एक्स, मतलब कि हमें नहीं पता कि कितने कितना बढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो कितने टाइम्स आपका रेट बढ़ रहा है। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम पहले ऐसे मान लेंगे और फिर कुछ कुछ डेटा गिवन होगा उससे हम निकाल लेंगे। मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तभी जा करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये रेट लॉ के बारे में। मैं इसलिए बनाया क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था, इसलिए
ठीक है, तो हमें पता नहीं था इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, नहीं दिया था, तो मैं मान लिया कि हो सकता है कि हम कुछ बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, तो क्या बढ़ाएंगे वो रिलेशन नहीं पता था, तो यहां पे मैंने मान लिया एक्स। ये था कंसंट्रेशन ऑफ ए के बारे में। अब एक और रेट हम मान लेते हैं, अब कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हमें भी बी के बारे में नहीं पता है कि बी का कंसंट्रेशन कितना बढ़ाएंगे या कितना घटाएंगे तो रेट कितना बढ़े घटेगा। हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक जनरलाइज फॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि बी का पावर अगर ए वाई बढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ से बढ़ा रहे होंगे तो रेट कुछ से बढ़ रहा होगा। ये हम लोग एक क्या कर रहे हैं, जनरलाइज तरीका, जनरल फॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो अब जो नेट आएगा, नेट क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। अब रेट क्या आ गया, से रेट को अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो रेट कांस्टेंट और ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ में आया होगा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जनरलाइज फॉर्म तैयार कर रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं यहां पे। अब यहां तक क्लियर है तो इसमें मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। आपका इस इक्वेशन में ये क्या बता रहा है, तो ये बोल रहा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी। एक्स क्या बता रहा है, एक्स बता रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान दीजिएगा, एक्स क्या बता रहा है, एक्स बता रहा है आपका ऑर्डर किसका, रिएक्शन का ऑर्डर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो कंसंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए का पावर एक्स है, दैट्स वाई। अब वाई क्या होगा, सेम एज इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो ओवरऑल जो आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि आप पढ़े थे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो हो जाता है कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो सारा कॉन्सेप्ट जो मैं लेक्चर फाइव में पढ़ाया था वही है, लेकिन बस एक चेंजिंग क्या है कि जो मैं वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन बताया था सब कुछ सही है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन बस वहां पे एक पॉइंट आपको ऐड करना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है। और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, वो होता है आपका सिंगल स्टेप में पूरा हो जाए, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जो बच्चे फाइव देख लिए थे वो आप एक बार इसको देख लीजिएगा और देख करके हो सके तो फिफ्थ वाले को कंपेयर कीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया है, दोनों को कंपेयर करिएगा क्योंकि मैं कंपेयर करा करा के आगे बढ़ रहा हूं। ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि एक्स प्लस वाई के बराबर आ गया। अब कुछ कुछ पॉइंट है, ये सारे पॉइंट मैं अभी लिखवा दूंगा, समझा रहा हूं अभी। ये जो एक्स है, ये एक्स, ये एक्स आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये वाई, वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका नेगेटिव कभी नहीं होगा, जीरो हो या पॉजिटिव हो, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर मतलब दोनों का जो सम होगा वो आपका नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए एक्स माइनस टू है तो वाई माइनस टू, अगर एक्स है तो वाई को क्या होना पड़ेगा, दो या दो से बड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर के एक्स प्लस वाई करेंगे तो जीरो या पॉजिटिव आएगा। तो ये सारे पॉइंट है, ये मैं आपको लिखवा दूंगा अभी आगे, बस मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसी के रिस्पेक्ट में, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर क्या है, वो आपका दोनों का सम होता है। तो अभी मैं इस वीडियो को बनाने का एक और रीजन था कि अभी जस्ट मैं आपको कंपैरिजन कराने वाला हूं। एक टर्म होता है मॉलिकुलरिटी, मॉलिकुलरिटी और एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इन दोनों में डिफरेंस आपका बहुत जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है या फिर बोर्ड्स एग्जाम में भी डायरेक्ट बोल देता है कि मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप डिफरेंस बताओ।
तो उसके इसको समझाने के लिए भी मैं ये सारे चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं और एक तरीके से बेस बेस क्रिएट कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि लेक्चर नंबर 5 अगर जो देख लिए हैं अभी देख रहे हैं जो बच्चे, वो तो खैर 5 पे जा ही नहीं सकते क्योंकि वो अब रिप्लेस करके मैं इस वीडियो से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको कन्फ्यूजन फिर से क्रिएट ना हो, क्योंकि मैंने रीड किया कि आप लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ पे आ रही थी, ठीक है। और जो बच्चे देख लिए हैं उनके लिए मैं ये वीडियो और उस वीडियो से आप कंपेयर कर सकते, कंपेयर मतलब जो नोट्स अगर तैयार किए होंगे तो दोनों नोट्स से आप कंपेयर कीजिएगा। सारा सब कुछ सही था लेकिन जो मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन वहां पे बताया था वो लॉ ऑफ मास एक्शन भी सही है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपका वैलिड किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है। अगर क्वेश्चन में आपको देते वक्त अगर सिर्फ दे दे कि इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तब आप इजी वे में आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हो। और लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, तो भाई रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए, और जो उसका कोफिशियंट होता है, मतलब यहाँ कोफिशियंट 5 है और यहाँ का कोफिशियंट क्या है, बी का कोफिशियंट 6 है। तो ये कब लगा सकते हो, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 5 और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 6, ठीक है, इसका कोफिशियंट। तो ये कब लगाओगे, जब आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी दे देगा क्या कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर कुछ नहीं दिया हो तो आप जनरलाइज फॉर्म जो है उसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा तब आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जो बच्चे मेरे से डाउट कर रहे थे पूछ रहे थे उनको क्लियर हो गया होगा। ये कब यूज करेंगे, जब आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दे क्या कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो है, और अगर नहीं दिया हो तो आप ये वाला फॉर्म को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तब बोलेगा कि ये यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तो एक्स और वाई है। तो ये आपका क्वेश्चन में इतना ही नहीं देगा और कुछ कुछ जानकारी देगा ताकि आप एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सको। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तभी वैलिड है, लॉ ऑफ मास एक्शन इसको कहते हैं। जो बच्चे लेक्चर 5 देखे होंगे उनको पता होगा कि ये कैसे आता था। तो ये तभी वैलिड है जब आपका एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 वाले बच्चे अब डाउट नहीं आएगा, अगर अभी भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर डाउट नहीं होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा डाउट नहीं है, या फिर ऐसा मत लिखिएगा, लिखिएगा समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ये बताइएगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ अब आपको जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये था आपका रेट लॉ। रेट लॉ होता क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है, और एक्सपेरिमेंटल लॉ में भी क्या बताता है, रेट, रेट बताता है आपका रिलेशन, बताता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, और वो होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बताता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हमें जानकारी देता है। तो ये टर्म मैं पढ़ा चुका हूं, जो कि मैं यहां पे समझा भी दिया अभी कि क्या होता है कैसे होता है, समझ में आ गया होगा। जो रेट है आपका क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, और उसके ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो और थोड़ा सा इस टॉपिक को और समझते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ये मैं छोटा सा बस डेफिनेशन लिखवा दिया हूं, जो मैंने अभी बोला कि वो पॉइंट तो सही है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड है, लेकिन कब वैलिड था, जब आपका एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हो तब, या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर भी थोड़ा सा वैलिड होता है। वो कब होता है अभी मैं जस्ट पढ़ाऊंगा एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे और अच्छे से क्लियर करूंगा। तो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है, और रिलेट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रिलेट करता है। तो एक छोटा सा और इसमें पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। तो जो बच्चे, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर वीडियो देखे थे 5th, तो उसको रिलेट करिएगा, लेकिन चीजें इससे समझिएगा ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि ये फुल्ली बेस्ड आपका इसी टॉपिक पे है। क्यों फालतू में फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आप मिलाओगे और कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। अब हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, जल्दी से मैं समेटता हूं इसको, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो बच्चे यहां पे लेक्चर 5 देख चुके थे पहले, वो फिर से देख ले, समझ में आ जाएगा, चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या कहता है, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, मतलब वो सारे के सारे रिएक्शन
जो कि सिंगल स्टेप में क्लियर हो जाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब आप बोलिएगा कि हम कैसे पता करेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आपको कहीं भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि एलिमेंट्री रिएक्शन का आप चार्ट ले लो और याद करो, ये आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल देगा कि दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, और फिर जो पूछना होगा आपसे पूछ लेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक दो एग्जाम्पल आप याद रखिए ताकि कभी कोई पूछ दे कि एक आध एग्जाम्पल बता दो एलिमेंट्री का, तो आप इजी वे में बता सको। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। तो जैसे एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे कि हम लोग वाटर फॉर्म कर रहे हैं H2O, तो वाटर कैसे फॉर्म करेंगे, तो होता है H2 को हाफ O2 रिएक्ट कराओ, ये बना देगा वाटर। तो अब बोलिएगा तो अब ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ H2, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और कंसंट्रेशन ऑफ O2 और इसका कोफिशिएंट है 1/2। तो ये हम लोग कब करेंगे कोफिशिएंट वाला टर्म, सिर्फ और सिर्फ आपका जब एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हो तब, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप RDS होता है वो मैं भी समझाऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझिए कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहां लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में, और बाकी सारे में आप रेट लॉ के एक्सपेरिमेंटल चीज को ऑब्जर्व करके आप रेट फाइंड कर सकते हैं। तो इससे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, इससे भी कराऊंगा, फिर आपको चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट कॉन्स्टेंट। ये और एग्जाम्पल लेना चाहो तो NH3 बनाते अपन, तो N2 प्लस थ्राइस H2 से आपका बन गया, क्या बन जाएगा, ट्वाइस NH3। तो इसका भी आप रेट लिख सकते हो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक्चुअली होता ही है। तो एक दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, अच्छा है, कोई पूछ दे तो बताने के काम आ जाएगा। और H2 का पावर 3, ठीक है। तो ये काम कब कर रहे हैं, जब आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है तब, हर जगह मत लगाते रहिएगा ये चीज, सिर्फ और सिर्फ जब आपका एलिमेंट्री रिएक्शन गिवेन होगा तभी लगाइएगा, हर जगह ये आप कॉन्सेप्ट लागू नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन पे। बस एक सिंगल पॉइंट यही मिसिंग था वो लेक्चर नंबर 5 में, इसीलिए आपको बस डाउट क्रिएट हो रहा था और कुछ नहीं। तो कोई नहीं, इसके जरिए देर आया दुरुस्त है, समझ तो गए, तो यहां पे समझ गए इस चीजों को। अब एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, दोस टाइप ऑफ रिएक्शन, कहां गया मिटाने के लिए, दोस टाइप ऑफ रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप, जो कि मल्टीपल स्टेप में क्रिएट होते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का था, बहुत सारे कुछ कुछ चीजें होते हैं ना जो आपको एक बार में आप नहीं बना सकते। जैसे मैं घर पे भी कुछ कुछ खाना बनाते हैं तो होता है ना कि आप एक बार में नहीं बनाते, पहले इसको उसको, जैसे होता है ना समोसा बना रहे हैं तो पहले एक बार में नहीं, पहले आप आलू उबालो, फिर आलू को पहले प्रिपेयर करो, फिर आटा वाटा जो होता है उसको, फिर जा करके फर्दर अब दोनों को मिलाओ, फिर मिला करके उसको तेल में डालो, फिर बना, ठीक है। तो आपका ऐसे नहीं कि एक बार में बस आलू डाला हो गया समोसा तैयार, ऐसा नहीं होता, एक प्रोसेस होता है उसके बाद तैयार होता है। तो उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, हम लोग नाइट्रोसिल ब्रोमाइड का, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड क्या होता है, NOBr। तो नाइट्रोसिल ब्रोमाइड क्या होता है, इसका जो प्रिपरेशन होता है लैब में, तो वो क्या होता है कि पहले क्या करते हैं अपन, NO को Br2 से रिएक्ट कराते हैं और आपका वो दे देता है NOBr2। अब क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, NOBr चाहिए, लेकिन मेरा बना क्या, NOBr, मतलब हमें नाइट्रोसिल ब्रोमाइड चाहिए और हमें NOBr2 बना। तो अब क्या करते हैं, जब ये बनकर ये बना तो अब क्या करेंगे, फिर से इसको उठाएंगे, जो ये बन के तैयार हुआ पहला स्टेप में जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उस प्रोडक्ट को फिर से हम रिएक्टेंट में लाएंगे और इसको फिर से हम रिएक्ट कराएंगे NO से। अब ये आपका फॉर्म कर देगा
twice NOBr. तो देख रहे हैं, ये हमें बनाना क्या था, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड. तो ये आपका एक बार में नहीं बना, जो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट मिला उसको फिर से मैंने रिएक्टेंट के रूप में यूज किया और उसको रिएक्ट कराया फिर से NO के साथ और फिर हमें मिल गया नाइट्रोसिल ब्रोमाइड. तो ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं जो कि एक स्टेप में कंप्लीट ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. अब एक और पॉइंट, ये जो लेक्चर 5 देखे थे वो सारे बच्चे, वो मैं बस रिपीट कर रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट के लिए. अब इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब भी रहेगा तो उसमें आपको एक चीज और जानकारी देगा, वो जानकारी देता है आपको आरडीएस के बारे में. आरडीएस मतलब उसमें बताएगा कि इसमें कितने स्टेप हुए हैं, 2 स्टेप हुए हैं. तो जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उस टाइम पे फर्दर मल्टीपल स्टेप में ये होते हैं, तो उसमें आपको ये चीज जानकारी देगा कि कौन सा स्टेप इस रिएक्शन का स्लो है. तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवेन होता है. तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें ये जो सेकंड वाला स्टेप है ये होता है आपका स्लो, ठीक है. तो ये है स्लो, तो आप बोलेगा ये कैसे पता किए, तो ये पता नहीं करना, आपको क्वेश्चन में गिवेन रहेगा. हाँ, लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़िएगा ना, तो वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अच्छा होता है, क्यों ना, क्योंकि वहां पे भी याद करने कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो मिलेंगे आपको रटवाएंगे, ऐसे ऐसे करके रट लो वो रट लो. लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, एक्चुअली बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है. मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पे आप फाइंड कर सकते हो कि स्लो कैसे है. वो अगर मौका मिला मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाने का तो मैं बताऊंगा कैसे स्लो होता है, आप खुद से पहचान जाओगे. मैं बोलूंगा कि हाँ बताओ ये कौन सा स्टेप है जी, तो आप खुद से बता दोगे कि ये आपका स्लो स्टेप है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो स्लो वाली चीज है वो समझने का चीज है, वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप स्लो है. वो पता चलता है ये रिएक्ट करता है वो निकलता है, ये सारी चीजें हैं ऑर्गेनिक में. तो वो हम लोग खैर ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे जब उसको पढ़ाएंगे. तो फिलहाल यहाँ पर समझिए फिजिकल केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन है तो वहां पर आपको ऑलरेडी गिवेन होगा कि कौन सा स्टेप स्लो है, ठीक है. तो जो स्टेप स्लो होता है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा नए बच्चे, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग रेट जो फाइंड करते हैं रिएक्शन का, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी यूज्ड ओनली स्लोएस्ट स्टेप फॉर राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में किसका यूज करते हैं, जो स्टेप स्लो होता है उसको यूज करके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को राइट डाउन करते हैं. तो सेम कॉन्सेप्ट, ये वाला स्लो है. तो अब देखिए ये स्लो है तो ये अब क्या बन गया, एक तरह से एलिमेंट्री बन गया. नहीं, अगर इसको स्लो मान लो तो एक तरह से क्या है, ये एक सिंगल तो रिएक्शन है, एक बार में ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ था. अगर दोनों को कंबाइन करो तब तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप सिर्फ इसको फोकस करो तो ये क्या है, ये सिर्फ एक सिंगल सा रिएक्शन है. तो सिंगल सा रिएक्शन है तो एक बन गया आपका एलिमेंट्री टाइप का. तो मैंने जो पॉइंट लिखवाया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमेशा रेट लिखते हैं स्लो को लेकर के. अब बोलेगा काहे ऐसा, काहे स्लो को लेकर ही क्या रखते हैं. तो चीज को समझिए, पॉइंट समझिएगा, मैं सब समझा रहा हूं. जो मैं लेक्चर 5 देखूंगा वो एग्जाम्पल मैं दिया था, लेकिन अब जो नए बच्चे हैं वो समझिए, फिर से वही एग्जाम्पल मैं रिपीट कर रहा हूं. जो एग्जाम्पल मैं वहां पर दिया था कि अगर सपोज करिए कि एक घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों को कहीं जाना है घूमने और इनके पास खुद का गाड़ी नहीं है, तो अब ये क्या करेंगे, किसी गाड़ी वाले को बोलेंगे कि भैया तुम आ जाना मंडे को ट्यूसडे को जब कभी जाना है उस दिन आ जाना और हम लोग को घूमने जाना है तो हम लोग को घुमा करके ले आना. तो अब क्या होगा कि ये 4 बंदे हैं, ये 4 बंदे क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसका जो तैयार होगा, इसका जो डेली आदत है तैयार होने का, ये है कि ये सुबह 6 बजे तैयार हो जाता है. ये वाला सुबह 7 बजे तैयार होता है, 7 बजे तक ही तैयार होगा. ये वाला 8 बजे तक तैयार होता है, और जो चौथा है ये सबसे लेट है और ये 9 बजे तक ही तैयार होगा, उससे पहले तैयार नहीं होगा, और जाना इन 4ों को साथ में है. तो होगा क्या, अब ये जो 4ों जो फैमिली मेंबर है, अब गाड़ी वालों को क्या बोलेंगे, तो गाड़ी वालों को बोलेंगे कि भैया आप 9 बजे ही आना, कि 9 बजे तक ही हम सब लोग रेडी हो सकते हैं.
ये बोलेगा। तो इन चारों जो हम मान लीजिए चारों के चारों स्टेप है कोई रिएक्शन का, तो इन चारों में से सबसे स्लो कौन है? ये चौथा वाला। और चौथे वाले को ही देख करके हमने गाड़ी वाले को क्या बोला, उसको टाइम बताया कि भैया आप 9 बजे आना, क्योंकि ये सबसे स्लो है, जब तक ये तैयार होगा नहीं हम लोग जाएंगे नहीं, तो जाएंगे नहीं तो घूमेंगे कैसे साथ में। तो जो सबसे स्लो था उसको पकड़ के हमने क्या किया, इसको टाइम दिया। तो सेम काम यहां कर रहे हैं, जो इसमें सबसे स्लो था उसको पकड़ के ही हम लोग क्या करेंगे, रेट के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट से आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो सबसे स्लो है उसको पकड़ के ही हम किसी को बताएंगे कि हाँ मेरा जो रेट है, हम जो तैयार हो जाएंगे वो हम इतने बजे तैयार हो जाएंगे। तो सेम अब ये आपका क्या बन गया, ये आप सिंगल अब इस इक्वेशन पे सिर्फ फोकस करिए, इस रिएक्शन पे फोकस कीजिएगा, तो ये वाला आपका क्या है, ये वाला हो गया अब एक तरीके से एलिमेंट्री बन गया सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो अब इसके लिए रेट लिख सकते हो, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट, इसका कंसंट्रेशन एनो बी आर टू का कंसंट्रेशन, और इसका कोफिशियंट क्या है, 1, और कंसंट्रेशन ऑफ एनो, और इसका अभी कोफिशियंट क्या है, 1, तो ये भी 1 और ये भी 1। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो चीजें मैं पढ़ाया था लेक्चर 5 में सब कुछ सही है, लेकिन सही सिर्फ कब था, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए था, तो वो बस एक पॉइंट शायद मिस आउट था वहां पे, जिस कारण से आप लोग को वो डाउट क्रिएट आ रहा था। तो अगर कहीं एलिमेंट्री दिया हो तो आप सीधे लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो कर लेना, और अगर नहीं दिया हो तो जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच मैं जो बताया इस लेक्चर में उसको अप्रोच कीजिएगा। तो अब मैं एक्सपेरिमेंटल वाले से क्वेश्चन कर लेता हूं, तो और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहां तक कॉम्प्लेक्स सही है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया भी था, लेकिन अब जो अभी नया कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे उसके बाद अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है A2 और B2 रिएक्ट करके ट्वाइस AB बना रहे हैं, और देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहा, यहां पे कहीं बोला है क्या कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, नहीं बोला, नहीं बोला मतलब हम लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं करेंगे, नॉर्मल जो रेट लॉ होता है एक्सपेरिमेंटल वाला वो फॉलो करेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको ऐसे दिया रहेगा तो आपको 2-3 पॉइंट और देगा ताकि आप एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि इसको देख करके हम क्या लिखेंगे कि रेट जो है इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, ये नहीं लिख दीजिएगा, देखिए A2 का पावर 1 और B2 का पावर 1 मत लिख दीजिएगा, ये सरासर क्या होगा, गलत, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं बोला गया है कि आपका ये कौन सा एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये कहीं भी नहीं बोला है, अगर बोला होता तो ये सही था, लेकिन नहीं बोला है तो नॉर्मल हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं कि रेट जो है वो हो गया आपका रेट कॉन्स्टेंट, और मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A2 का पावर x और B2 के पावर y के बराबर है, हम सपोज कर लिए। अब ये x और y कैसे निकालेंगे, अगर अभी तक आपको क्वेश्चन डाउट आ रहा होगा कि x और y लिखवा तो दिए लेकिन निकालेंगे कैसे इसको, तो अब x और y का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो 3 एक्सपेरिमेंट दिया है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, इसको देख करके ही हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई यहां पे हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं बता रहा हूं बच्चों को डाउट कहां रहा था, बच्चे कर क्या रहे थे ना, कि कर क्या रहे थे अभी तक, कि ऐसे लिख करके और बोल दे रहे थे 1+1 मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, और एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, बाबू पानी ले आना, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इसलिए क्या ये हम कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है, तो अब हम इसको फॉलो कर करके, इसको फॉलो करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, ये क्या है एक तरीके से एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसको फॉलो करके एक्स और वाई निकालेंगे, फिर हम पता करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है। ठीक है,
पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट देखिए। जैसे मैं आपको सबसे पहले समझाया था ना एक्सपेरिमेंट करके, ये भी एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि रेट जो है 0.04 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए2 कितना है 0.2, और मान लेते हैं एक्स, एक्स के पावर से वैरी कर रहा है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी2 कितना है 0.2, और इसको मान लेते हैं वाई के पावर से वैरी कर रहा है। सेकेंड बनाते हैं, सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट को देख करके लिखते हैं। तो इससे क्या लिखता है, इससे लिखता है 0.04 था रेट, रेट कांस्टेंट तो सेम होगा, लेकिन ए2 का जो कंसंट्रेशन है वो है 0.1 का पावर x हो जाएगा 0.1, और b2 कितना है 0.4, तो 0.4 का पावर y। क्यों वो x और y क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम मान लिए कि जो ए2 का कंसंट्रेशन है वो x के पावर से वैरी कर रहा है और b2 का कंसंट्रेशन y के पावर से वैरी कर रहा है। अब एक इक्वेशन और बना लीजिए, अब एक और इक्वेशन बनाइएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में क्या है रेट, रेट है 0.08, तो 0.08 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और 0.2 का पावर x और 0.4 का पावर, 0.2 का पावर x और 0.4 का पावर y। अब ये तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो इसको सॉल्व करेगा, और मैं सॉल्व नहीं कर रहा इस बुढ़ापे में, आपको सॉल्व करना है, मैं बता दे रहा हूँ करिएगा, क्या क्या कीजिएगा आप कि ऐसे ऐसे, हाँ थर्ड को डिवाइड कर दीजिएगा सेकंड से, जब थर्ड को सेकंड से डिवाइड करिएगा ना तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा एक्स, थर्ड को जब सेकंड से डिवाइड तो यहाँ से आपका एक्स आ जाएगा, और एक्स कितना आएगा सॉल्व कीजिएगा, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कीजिएगा तो एक्स वन आ जाएगा आपका, चेक कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन आप कीजिएगा, इस बुढ़ापे में मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा। एक और, अब हम लोग x का निकाल लिए वैल्यू, अब y का निकाल लेते हैं, तो y के लिए क्या कीजिएगा कि ये है और ये है थर्ड, हाँ थर्ड को आप डिवाइड कर लीजिएगा फर्स्ट से, ठीक है थर्ड को फर्स्ट डिवाइड कीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ से आपका y आ जाएगा ना, y आ जाएगा यहाँ से, y आपका वन आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं इसको, करके देखिएगा ये आएगा, भरोसा रखिए हम पे। तो अब x और y वन आ गया, तब कुछ नहीं करना है, तो जो रेट का जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट a2 का पावर 1 और b2 का पावर 1। तो ये आ गया मेरा रेट का फॉर्मूला। अब आपको बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मैंने इतना कुछ किया, अब आप बोलोगे कि सर आपने इतना कुछ करके और ये लाया, तो मैं तो सीधा सीधा इसको देख करके भी लिख सकता था। तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि मैं सीधा सीधा देख करके लॉ ऑफ मास एक्शन देख करके और मैं लिख दूंगा कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए2 का जो कोफिशियंट है उसका पावर और बी2 का कोफिशियंट है उसका पावर। लेकिन ये अभी भले ही आंसर आ गया एक्स और वाई वन, लेकिन ये हर टाइम नहीं आएगा, समझ रहे हो, ये हर टाइम आपका ये नहीं आएगा, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से जो आप लिखिएगा और अभी जो आप फाइंड आउट किए हैं एक्सपेरिमेंटली, ये जरूरी नहीं है कि दोनों हर बार इक्वल आएगा, ये बाय चांस यहाँ पे आ गया है, लेकिन हर टाइम आपका ये आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका अभी सही हो गया, लेकिन ये एक्चुअली में आप लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन खोपड़ी में डाल लो कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तभी आप लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत ये रेट को राइट डाउन कर सकते हो। अब क्या करना, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आप लोग लिख लो कि क्वेश्चन है इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन ए प्लस बी, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन लिखना, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, और रिएक्शन आप ये लिख लेना, एंड इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज, एंड इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय टू टाइम्स, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय
टू टाइम्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज फोर टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन देन फाइंड द न्यू रेट ऑब्टेंड तो अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको शुरू में ही क्या बोल दिया, शुरू में ही बोल दिया कि कौन सा रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तब अब आप बोल सकते हैं कि चूंकि इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, चूंकि सिंस इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन सो अब क्या होगा, रेट जो होगा वो इक्वल होगा रेट कॉन्स्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए, और उसका कॉफिशियंट क्या है, 1, और कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसका कॉफिशियंट क्या है, 1। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों कब लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तभी हम लॉ ऑफ मास एक्शन को रख करके रेट को राइट डाउन कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं, आपको मालूम होगा ना, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ए है, अगर मान लीजिए बी है और अगर प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको अगर रेट लिखना हो अकॉर्डिंग टू फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, तो वो क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका रिएक्टेंट का कॉफिशियंट, कंसंट्रेशन ऑफ बी मतलब रिएक्टेंट और उसका कॉफिशियंट क्या है, बी, ऐसे। लेकिन ये वैलिड कब होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि गुलबर्ग के द्वारा दिया गया था, वॉगे एंड गुलबर्ग, तो ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन पे। तो ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज इसको और रेट लॉ को एक मिक्स कर दे रहे हैं, जिसके कारण उनको मिसकंसेप्शन हो जा रहा है, कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दे रहे हैं, तो गलती होने के चांस बढ़ जा रही है। तो मैं इस लेक्चर में आज मोस्टली फोकस किया है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन और मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ, इन दोनों चीजों को मैं इस लेक्चर में मेनली फोकस किया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था जो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, तो इस कारण से मेरे को ये चीज बनाना पड़ा। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें क्या बोला, हमने लिख लिया सिंस इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन रेट क्या होगा, रेट हो जाएगा रेट कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये, ठीक। अब बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए का कंसंट्रेशन है वो शायद कितना हुआ था, मैं भूल गया क्या लिखवाया आपको, शायद बोला गया था कंसंट्रेशन ऑफ ए था 2 times, मैंने बोला शायद, मैं भूल गया, और बी का कंसंट्रेशन मैंने बोला शायद 4 times, ठीक है, यही बोला था जहां तक मेरे को याद है अभी। तो बोला क्या क्वेश्चन में, क्या बोला, अगर नहीं बोला ये चीज तो आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, मैं भूल गया बोला क्या अभी। तो अगर क्वेश्चन में बोला कि ए का कंसंट्रेशन 2 times है और बी का कंसंट्रेशन 4 times है, तो जो नया रेट आएगा, मान लीजिए रेट डैश, तो वो क्या आएगा, रेट कॉन्स्टेंट, और हमने तो ये निकाला किससे, ये निकाला हम लॉ ऑफ मास एक्शन से। अब इसी में क्या करेंगे, अब बोल कह रहा है ए हो गया 2 times, तो ए क्या हो गया आपका 2a हो गया, इसका पावर 1, और बी क्या हो गया, वो हो गया 4 times, तो 4b और इसका पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 और 2 बाहर आ जाएगा, तो 8k कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, तो जो रेट डैश आ रहा है, जो नया रेट आ रहा है वो 8 times है पुराने रेट के, ठीक है। तो ये चीज अब क्लियर होगा, शायद आपको क्लियर होगा ये पॉइंट, कि अगर कुछ ऐसा दिया हो एलिमेंट्री रिएक्शन पहले बोल दे, तब आप रेट को ऐसे लॉ ऑफ मास एक्शन से लिख करके बाकी जो पूछे आप कर सकते हो, लेकिन अगर एलिमेंट्री नहीं दिया है तो आपको ये नहीं लिखिएगा। यहाँ पे आप मान लीजिएगा कि x के कंसंट्रेशन से चेंज हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिएगा y के कंसंट्रेशन से चेंज हो रहा है, फिर और कुछ डेटा आपको क्वेश्चन में गिवेन होगा, उसके फॉलो करके आप और आगे जो पूछा है वह फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा ये लेक्चर, मेरा मेन बनाने का मकसद शायद सफल हो जाए, अगर आपको ये सारी चीज़ें जो कि कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर रही थी वो अगर क्लियर होगा तो छोटा सा एक और चीज़ मैं बता दूँ। अब हम लोग
हम लोग बहुत पढ़ते आए, अब पढ़ते पढ़ते इतना समझ गए कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली मेरा प्रोपोर्शनल है किसके, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और जो कंसंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट का, उसका पावर एन है। ये तो क्लियर होगा। एन क्या था अभी मैंने बताया था ना, एक्स प्लस वाई जो डिस्कस किया था, तो एक्स प्लस वाई मेरा क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। तो मैंने ओवरऑल मैंने एक जनरल बना दिया कि एन मेरा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एन मेरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, इसका यूनिट फाइंड कर रहा हूं रेट कांस्टेंट का, जो कि मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से हल्का सा नए बच्चों के लिए बताना चाह रहा हूं, पुराने बच्चे जो पढ़ लिए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। तो रेट का यूनिट मैंने बता दिया, रेट होता क्या था, रेट होता था चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, जो टाइम मान लो अगर सेकंड में है तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब क्या, इसी को तो बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट किस में होता है, मोलरिटी में होता है, और मोलरिटी क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम होता है। तो मोल का मोल और वॉल्यूम का लीटर और डिवाइडेड बाई टाइम, क्यों, क्योंकि रेट होता क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम। तो टाइम का यूनिट मैंने लिख दिया सेकेंड, इज इक्वल टू के को के छोड़ दीजिए, और कंसंट्रेशन का फिर से यूनिट क्या हो गया, मोल बाई वॉल्यूम, मतलब मोल बाई को मैं लिख दू क्या लीटर का पावर माइनस वन का पावर एन। पुराने बच्चे ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, नए बच्चों के लिए क्योंकि मैं एक तरीके से नया वीडियो बन गया इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, बाकी देख सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा और अच्छे समझ में आएगा। तो ये हो गया मोल लीटर का पावर माइनस वन सेकेंड इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट मोल लीटर का पावर माइनस वन और एन। अब बस आपको रटना नहीं है इसका यूनिट, बस आप प्रोसीजर फॉलो करिएगा। ये आप जानते हैं कि ये होता है रेट लॉ से, अब रेट लॉ से ये होता है तो इसको आप फटाक से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मत करिएगा, यहाँ पे आप n का वैल्यू वेरी कराइए। तो अगर n इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि n अगर जीरो है तो उसको बोलेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे n को जीरो रख दीजिए, तो जीरो रखिएगा तो ध्यान दीजिए ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कुछ किसी का पावर जीरो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो सिर्फ क्या बचेगा, रेट कॉन्स्टेंट बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो मोल लीटर का पावर माइनस वन और सेकेंड, ठीक है। एन को अगर वन रखते हैं, एन को अगर हम, मैंने यहां क्या रखा वन, तो आप ध्यान दीजिए अगर हम एन को वन रखेंगे तो आप सॉल्व कीजिएगा, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा एन को मैंने यहां वन रखा, तो एन को वन रख के जब सॉल्व किए तो एलएचएस साइड में क्या है, मोल लीटर का पावर माइनस वन सेकेंड इज इक्वल टू के मोल, दिख रहा है ना आपको, हाँ मोल लीटर का पावर माइनस वन का पावर वन। अब ध्यान दीजिए मोल से मोल कट गया और लीटर का पावर माइनस वन से माइनस वन कट गया, तो के क्या आ गया मेरा, के आ गया हमारा, के आ गया हमारा, एक गलती यहाँ पे किया था सॉरी, ये सेकेंड है ना, यहाँ सेकेंड का पावर माइनस वन आएगा ना, क्योंकि मोल लीटर माइनस वन और सेकेंड माइनस, है ना, यहाँ देखिएगा मोल लीटर का पावर माइनस वन और सेकेंड का पावर माइनस वन आएगा, तो यहाँ पे भी आपका जाएगा माइनस वन, ठीक है, तो सुधार लीजिएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये भी माइनस वन है, तो के क्या आ गया, यहाँ से के आ गया सेकेंड का पावर माइनस वन। तो जो एन इक्वल टू वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड का पावर माइनस वन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पुराने बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ, बाकी मैं एक वीडियो बना रहा था सोचा कि थोड़ा सा और एक्सपेंड कर ही दूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा चीज़ें। अब अगर सेकेंड ऑर्डर बोले तो यहाँ एन को टू रख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, थर्ड ऑर्डर बोले तो एन को थ्री रख दीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट आ रहा है ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन में ना आपको कुछ नहीं देगा, क्वेश्चन आपका सीधा रिएक्शन दे देगा और क्या बोलेगा, रिएक्शन दे करके और रेट कॉन्स्टेंट दे देगा। तो रेट कॉन्स्टेंट मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया ए प्लस बी से बन गया सी, और बोल देगा कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू है 0.5 सेकेंड का पावर माइनस वन, अगर सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन में दिया है। तो
तो वहां पे आपको इस रेट कांस्टेंट का वैल्यू देख करके और रेट कांस्टेंट का यूनिट देख करके आपके खोपड़ी में एक चीज जाना चाहिए कि अच्छा ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का यूनिट कितना आ रहा है, जो यूनिट दिया है क्वेश्चन में वो है सेकेंड का पावर माइनस वन। और टाइम का पावर माइनस वन किसका, कौन से ऑर्डर का यूनिट होता है, तो टाइम का पावर माइनस वन फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है। तो यहां से देखने के बाद खट से आपके खोपड़ी में चीज जाना चाहिए कि ये जो रिएक्शन दिया है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये था मेन पॉइंट जो कि मैं क्लियर करा दिया यहां पे। तो यहां तक था मेरा मेन, इस लेक्चर को बनाने का मकसद यही था कि जो हल्का फुल्का कंफ्यूजन क्रिएट था अब शायद आपको सॉल्व हो गया होगा। अगर सॉल्व हो गया होगा तो जरूर बताइएगा मुझे। अब क्या करेंगे, अब एक अच्छा चीज पढ़ेंगे, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सब जगह इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतना चीज बता दिया तो अब ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी बताने में मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आशा करता हूं कि आपको क्लियर है। रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कहीं चार्ट बना करके समझ जाइएगा कैसे हम किस कैसे स्टेप को फॉलो करके हम फाइंड आउट किए हैं, ये एकदम याद रखिएगा एकदम कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, तो यहां पे हम स्टॉप कर रहे हैं, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी पढ़ना।